हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है एक शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कल की फ्राइडे की मार्केट कैसे फंक्शन कर सकती है एंड किस लेवल की टॉप लेवल प्रेडिक्शन हम लोग आप लोग को दे रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। माय सेल्फ अमन श्रीवास्तव, आपका प्यारा इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके सामने आ चुका हूं एक शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ। वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको चीजें पसंद आती हुई दिखेगी तो जरूर से एक लाइक ड्रॉप कर दीजिएगा एंड ट्रू इंटेलिजेंट ट्रेडर्स अपनी अटेंडेंस के रूप में लाइक तो जरूर से कर ही दीजिएगा। चलते गाइस, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले गाइस, आज की मार्केट क्या बोला गया था गाइस आपसे कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में, आप खुद बताओ। आपको क्लियरली कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो को जाके देखना, एक गैप अप ओपनिंग होगा एंड मार्केट साइडवेज रहेगा। पूरा एनालिसिस, मैंने पूरा एनालिसिस, आप आगे करके भी देखना, पूरा एनालिसिस उसी के बेसिस पे दिया था कि मार्केट आपका साइडवेज रहेगा, साइडवेज रहेगा, साइडवेज रहेगा। कम से कम 10 बार आपको कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया था एंड पूरा रिटन वे में अच्छी तरीके से आपको बताया था कि आज हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट आपका साइडवेज रहेगा। सब लोग तड़प तड़प के पोजीशन को खोज रहे थे, इधर कर रहे थे, उधर सी, एक कैंडलस्टिक के बाद पी बना रहे थे, फिर सी, फिर पी कर रहे थे, बट हमारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स फुल एकदम मस्त जूस पीते हुए, पानी पीते हुए रिलैक्स्ड मोड में थे, क्योंकि उनको पता था कि पहले ही से कि मार्केट की साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है एंड जब तक अमन सर या अमन भाई नहीं बोलते कोई पोजीशन के बारे में, तब तक उसमें कोई भी पोजीशन को ट्राई एनालिसिस नहीं करना है बहुत ज्यादा। कैसा था गाइस, आप लोग रिलैक्स थे कि नहीं बताओ, ये साइडवेज वाला स्टेटमेंट जैसे आप लोग रिलैक्स थे कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना एंड लिख देना एनालिसिस ऑन टॉप, तभी मुझे पता चलेगा कि यस आप लोग को एनालिसिस अच्छी लगी गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत से चीजें देख के बताई जाती है। सच बता रहा हूं, ये सब चीजें प्रिडिक्ट करना आपको लग रहा होगा हलवा है, बहुत ईजी है, हो जाता है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, बट आप मेरी पिछली 10 मार्केट एनालिसिस वीडियो के लेवल्स को मैच करो, एनालिसिस को मैच करो, अगले दिन लाइव मार्केट के एनालिसिस को देखो, पिछली 50 स्ट्रीम को देखो एक बार, आप हर दिन पाओगे कि हर मोमेंटम से पहले हम लोग आपको एनालिसिस कैसे भी करके देने की कोशिश करते हैं और हर दिन के पहले आपको एनालिसिस वीडियो में भी अच्छे एकदम डॉट टू डॉट लेवल्स देने का ट्राई करते हैं। अप्रिशिएशन आपका काम है, ऐसी चीजें भगवान न करे बट गलती से भी अगर कभी बंद हुई तो फिर बहुत बुरा लगेगा, इसलिए अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। ठीक है, चलते गाइस, अब नेक्स्ट चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। ज्यादा मार्केट के बारे में डिस्कशन करके फायदा नहीं, दो तीन ही ट्रेड्स करा गया, उसमें छोटा मोटा चूर्ण प्रॉफिट लेके आज के दिन को एंड करा गया था, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कल की मार्केट क्या हो सकती है, कल भी साइडवेज होगी कि ट्रेंडिंग होगी, आइए इसका आंसर लास्ट तक के वीडियो में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखने की कोशिश करोगे गाइस, तो अभी के टाइम पे ग्लोबल मार्केट जो चल रहा है ना, वो आपका अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत सपोर्टिव चल रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी आपको एक अमेजिंग चीज दिखेगी और एक बिटकॉइन का भी मैंने अभी आपको लॉन्ग साइड के एनालिसिस दिया था, वो भी लगभग लगभग स्ट्रक्चर कंप्लीट करने वाला है। ग्लोबल मार्केट में आपको एक चीज एनालिसिस अच्छी दिखेगी कि मार्केट जो सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा एंड एवरीथिंग की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव खुला था, बहुत नेगेटिविटी का प्रेशर बनाया था, उसको मार्केट ने एक दिन डाइजेस्ट करा और आज भी गैप अप खुलने की कोशिश कर रहा है। अगर आज भी यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोज करता है तो इतना बड़ा गैप डाउन वर्थ इट नहीं रहेगा, मतलब उसका कोई वर्थ नहीं निकलेगी एक तरीके से इसको कह सकते हो आप। और नैसडैक में भी देखोगे तो इतना ह्यूज गैप डाउन खुला था, उस दिन भी थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई थी और कल के दिन में भी मार्केट में एक गैप अप खुल के नेगेटिव आया बट लास्ट लास्ट में पॉजिटिविटी के साथ मार्केट क्लोज करा। और आज के दिन में भी नैसडैक को भी देखोगे तो ये भी अभी के टाइम पे इसके भी फ्यूचर्स थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी को ही दिखा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से कह सकते हो सपोर्टिव नेचर फिर से क्रिएट करने की कोशिश करा जा रहा है, तो ग्लोबल मार्केट में भी कोई बहुत पैनिक की बात नहीं दिख रही है। अब रात में सेलिंग आ जाती है तो वो स्टेटमेंट, वो चीजें अलग होगी, बट अभी के टाइम पे एट प्रेजेंट कोई बहुत पैनिक टाइप का सिचुएशन नहीं दिख रहा। डॉलर इंडेक्स को देखने की कोशिश करोगे, ये भी आपका स्लो ही डाउन है, पॉज ही कर रहा है, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज है हमारी इंडियन मार्केट के लिए भी एंड यूएस मार्केट के लिए भी, इसको याद रखिएगा। उसके साथ साथ गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड में फॉल हुआ था, अभी स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है इसको कर लें, तो इसमें तो अभी और थोड़ा मोड़ा होने दीजिए सिनेरियो, तब उसके बाद ही इसका डिस्कशन करें तो बेस्ट रहेगा। अब क्रूड ऑयल को भी देखेंगे तो क्रूड ऑयल आज ह्यूज गैप डाउन के साथ ओपन करा, इसको याद रखिएगा, एंड क्रूड ऑयल अभी नेगेटिविटी के पोर्शन में चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पेटीएम मनी का भी, उसमें भी स्थिति गंभीर ही है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को आप देखते रहिएगा। तो ग्लोबल मार्केट से ये पता चलता है कि हम लोग की मार्केट कल के दिन में एक थोड़ा मोड़ा साइडवेज टू गैप अप टाइप की ओपनिंग अभी के हिसाब से तो कर सकती है। और भी ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट भी आज ओपन हुआ, ये लोग भी पॉजिटिविटी के साइड ही चल रहे हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, डाउ फ्यूचर का मैंने दिखा दिया। एशियन मार्केट भी मैक्सिमम आपको देखोगे इस टाइम तो ग्रीन ही दिखेगी, तो एक तरीके से कह सकते हो ओवरऑल हर तरफ अभी पॉजिटिविटी चल रही है और इंडियन मार्केट में भी एक अपी साइड में मार्केट जाके क्लोजिंग
करा, ठीक है। यहां तक की पॉइंट्स क्लियर हो गए गाइस, लाइक करना मत भूलना गाइस, करते चलो अपनी अटेंडेंस लगाते चलो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं कि आज स्टॉक्स कौन कौन से थे। देखो ये सब आपके टॉप गेनर्स थे गाइस, और आज टॉप लूजर्स में जील एंड एवरीथिंग और वीडीएल आता हुआ दिखा था, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है। निफ्टी का तो पूरा साइडवेज मार्केट था, तो ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं है। बैंक निफ्टी में भी अब डेवलपमेंट शुरू होगा ओपन इंटरेस्ट का, बट एक चीज स्टार्ट कर दिया है कि आज 46,000 पे पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को बहुत ज्यादा ऐड कर रहे थे, बट यहीं पे कॉन्ट्रा में ये भी मैं देख रहा हूँ कि 46,000 पे कॉल राइटर्स भी पहले से प्रेजेंट है। क्या लगता है इन लोग को कि वापस से मार्केट 46,000 पे आएगा अगले वीक में, इसीलिए लोग पोजीशन बना के रखे हैं? इसका आंसर मैं आपको वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि कल के दिन में भी डाटा और बिल्डअप हो जाए, तब मैं इसको एनालाइज करके आपको बता पाऊंगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। FIIs and DIIs डाटा अभी तो नहीं आया होगा, जैसे ही आता है FIIs and DIIs डाटा कमेंट में लिखिएगा। कल का FIIs and DIIs डाटा आपका थोड़ा से FIIs सेल साइड में थे और DIIs बाई साइड में थे, इसको याद रखिएगा नेट कैपिटल मार्केट के अंदर, ठीक है गाइस। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपनिंग नहीं कराया गाइस, तो अच्छा खासा मौका है, जल्दी से कर लो अपना धन में, ताकि अगले दिन मंडे से आप हमारे साथ ट्रेडिंग करना शुरू करो। फटाफट से अपना डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अपना अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करना शुरू करिए। धन में, एलाइज ब्लू में, ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग भी कम लगती है, इन सब में तुरंत से अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करना शुरू करिए। एंजल वन वन ऑफ द बेस्ट, किसी में भी आप कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा सबसे बेस्ट इस टाइम धनी है, तो आप उसमें कर लीजिए एंड उसमें ट्रेडिंग करना जल्दी से शुरू करिए, ताकि मेल सेंड जिन लोग ने भी करके रखा हुआ है उन लोग का एडिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा सैटरडे को, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो होता हुआ दिखेगा कि हम लोग का मार्केट क्या क्या और चीजें फंक्शन कर सकता है। अब मेनली देखो ये सब चीजें मैंने देख लिया, ग्लोबल मार्केट देख लिया, एक बार इंडियन मार्केट का भी वन डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो दिखा देता हूं कि आज की क्लोजिंग कैसी हुई है एंड कल की मार्केट अब क्या हो सकती है। तो आज की क्लोजिंग को देखोगे तो ये एक न्यूट्रली टाइप की क्लोजिंग थी, एंड बैंक निफ्टी भी अभी एक न्यूट्रली टाइप का गैप अप के साइड में, बुलिशनेस साइड में क्लोजिंग कर रहा है। तो इससे मुझे ये तो दिख रहा है कि कल की भी मार्केट थोड़ा सा सपोर्टिव रह सकती है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बहुत बेरिश तो नहीं होगा अंटिल अनलेस बहुत बड़ा गैप डाउन ना हो, तो कल की मार्केट थोड़ा सपोर्टिव लग रहा है, बट क्या बहुत बुलिश लग रहा है? तो इसका आंसर है मेरे ख्याल से नो। कल की मार्केट भी मुझे, मैं आपको आज ही बोल देता हूं, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट फ्राइडे की मार्केट है, तो फ्राइडे मार्केट इज इक्वल्स टू इंटेलिजेंट ट्रेडर्स मार्केट, हमारी ही मार्केट है, उसमें प्रॉफिट हम लोग बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। बट कल की मार्केट में भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट हाफ मतलब जो लगभग आपका चलेगा 12 बजे तक, उसमें आपका साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। बहुत लोग बुरा मानेंगे कि अरे सर ऐसा ना करिए क्योंकि फिर साइडवेज होगा, मजा नहीं आएगा, बट यार क्या कर सकते हैं, जो चीजें दिख रही है मैं वही आपको बता रहा हूं। तो कल का फर्स्ट हाफ थोड़ा मोड़ा रुकता हुआ दिख सकता है, बट कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में प्रीमियम्स बहुत शानदार मूव करते हैं, मजा आएगा कल के दिन में, मिस ना करिएगा। एंड फ्राइडे मतलब इंटेलिजेंट ट्रेडर्स डे, तो उसको भी जरूर से मिस आउट ना करिएगा। तो कल हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे जरूर से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बट फर्स्ट हाफ थोड़ा सा रुकता हुआ दिख सकता है, सेकंड हाफ में मे बी पॉसिबल मार्केट में एक मोमेंटम मिले, इसको याद रखिएगा। अब वो क्या क्या मोमेंटम हो सकते हैं उनके डिस्कशन पे चलते हैं। इसके साथ साथ गाइस अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं कि अब प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग मार्केट का क्या बोल रहा है, उसको हम लोग जल्दी से चेकआउट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक के ऊपर देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं एंड कैसे उनको हम लोग काम कर सकते हैं। सबसे टॉप पे अगर आप लेवल को देखने की कोशिश करोगे, 46,909 का लेवल है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल है 46,669 का। देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 46,404 का। देन उसके बाद है 45,970 का। देन उसके बाद है 45,660 का। एंड लास्ट लेवल 45,301 का। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको मार्क कर लीजिएगा। अब आज की मार्केट को एनालाइज करके कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल में बुल्स अभी एक्टिव हैं। यहाँ पे एक बार थोड़े मोड़े सेलर्स आए थे, उन सेलर्स को भी गैप अप खुल के थोड़ा मोड़ा मार्केट निकाला और अभी लास्ट तक में निकाल दिया है, तो बुल्स ही थोड़े बहुत एक्टिव हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी सपोर्टिव नेचर बना हुआ है, अगर बहुत रिट्रेसमेंट भी हुआ तो इस लेवल तक आके फिर से यहां से 46,000 से सपोर्ट बनाने की कल के दिन में कोशिश मार्केट कर सकता है। तो अगर कल के दिन में मार्केट गैप अप खुलता है तो मेरा एक पेंडिंग स्ट्रक्चर बचा हुआ है जो है 46,410। तो कल के दिन में पहला तो ये गैप अप खुल के पेंडिंग स्ट्रक्चर को मार्केट कंप्लीट करेगा, उसके बाद यहां से डिसाइड करेगा मार्केट की क्या करना है। अगर यहां पे नीचे आके फिर बुलिशनेस के साइड ब्रेकआउट करता है तो धीरे धीरे लॉन्ग करने की कोशिश करना और ऊपर के टारगेट्स लेने का ट्राई करना, और अगर यहां पे सच में बेयरिशनेस का कुछ पैटर्न बनाता है इंट्राडे में जिसको हम लोग साथ में देखेंगे, तो वहां पे हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर लेके एक छोटा मोटा फिर से गैप फिलिंग और नीचे की साइड में कुछ आने का
ट्राई करेंगे, इसको याद रखिएगा। जो भी प्राइस एक्शन होगा वो मैं आपको इंट्राडे में बताऊंगा ही। जैसे मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा रुकता हुआ दिख सकता है, तो वो आप देखिएगा। उस टाइम आप सेंसेक्स में प्ले करने की कोशिश, नहीं सेंसेक्स में मत प्ले करिएगा क्योंकि प्रीमियम डीके होगा। उस टाइम आप मिड कैप, फिन निफ्टी, इन सबको प्ले करिएगा, उसमें आपको अच्छा मौका मिल सकता है। ठीक है, ये आपके सारे निफ्टी बैंक के लेवल्स हो गए। अब निफ्टी के लेवल्स पे जंप करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आपको सेंसेक्स के भी जीरो टू हीरो लेवल्स एंड एवरीथिंग चाहिए, मैंने ड्रॉ करके रखे हुए, तो अगर आपको वो भी चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि जो मार्केट एनालिसिस वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में आप ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का थर्ड लिंक, आप उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं सारी चीजें आपको अपडेट दूंगा। एंड अगर आपने अभी तक पीजीएस स्ट्रेटेजी को नहीं लिया है तो इस वीकेंड को आपका वेस्ट हो जाएगा। वीकेंड इसको जरूर से ले लीजिएगा कूपन कोड पीजीएस को यूज करके, ठीक है। एंड अगर आप लेवल्स बनाना सीखना चाहते हैं तो सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से भी आप ले सकते हो। इसका कूपन कोड पीजीएस है, इसका कूपन कोड लेवल्स है, ठीक है। इसको लगा के कैपिटल लेटर में सब कुछ, कोई स्पेस नहीं छोड़ना, आप दोनों के दोनों क्लासेस को लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के क्या लेवल्स हैं। सेंसेक्स के लेवल्स मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में सेंसेक्स लेवल्स तो मैं वहां पे आपको दे दूंगा, ठीक है। निफ्टी के लेवल्स को मार्क करिएगा। सबसे पहले निफ्टी का सबसे टॉप लेवल 22,137 होगा, देन उसके बाद 22,065 होगा, देन उसके बाद 22,000 होगा एकदम करेक्ट, देन उसके बाद 21,921 होगा, देन उसके बाद 21,827 एंड द लास्ट 21,750। ये सारे के सारे निफ्टी के लेवल्स हैं। निफ्टी पूरा दिन साइडवेज था, तो कल के दिन में अगर गैप अप खुलता है तो बुल्स कंटिन्यू करना चाहेंगे मोमेंटम को। हल्का फुल्का पुलबैक के बाद अगर ब्रेकआउट देते हैं, लॉन्ग करना ये टारगेट, फिर ये टारगेट। अगर ऐसा नहीं करता, मार्केट यहीं पे साइडवेज रहने की कोशिश करता है, तो आप फिर निफ्टी, निफ्टी इन सब में भी प्ले करिएगा। सब में प्ले कर सकते हैं, छोटा मोटा स्कैल्प्स एंड एवरीथिंग करते रहिएगा। फिर सेकंड हाफ में जिस भी साइड ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड जो भी प्राइस एक्शन दिखेगा, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट स्ट्रीम में मिलता है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, तो उसमें आपको अच्छी चीजें सारी की सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी जो भी प्राइस एक्शन होगा, ठीक है। बट सेलिंग बहुत ज्यादा आएगी क्या? तो सेलिंग आपका मुझे जितना लगता है 21,822 के नीचे अगर मार्केट क्रॉस करके सच में क्लोजिंग करता है तो थोड़ी बहुत 200 विंगर्स तक ले आ सकती है। एंड फिर 200 विंगर्स से सेकंड हाफ में आपको सपोर्ट ही मिल जाएगा, क्योंकि फिर से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बेयरिश होना अगर होता है ना भैया, दिमाग चकरा जाएगा डायरेक्शनल प्लेयर्स का, इसको याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, बट जो भी करेगा मार्केट वो हम लोग उससे हिसाब से प्ले करेंगे, उसमें कोई टेंशन की बात। तो ये थी गाइस आपकी पूरे दिन की एनालिसिस, कल के दिन में क्या क्या चीजें हो सकती है। कल का डे भी बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे हमारे सारे के सारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स। इस वीडियो को प्लीज काइंडली शेयर करना एंड लाइक कर दियोगे आप, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड कमेंट जरूर में बताना कि कैसी लगी थी आपको कल की एनालिसिस एंड क्या आपको लगता है कल की मार्केट के बारे में, उसके बारे में भी जरूर से लिखिएगा। एंड FIIs एंड DIIs टाटा को, ठीक है। अब मिलते हैं आप लोग से कल की मार्केट के साथ, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके।